मनाली आ रहे हो अगर आप पार्किंग ढूंढ रहे हो तो इस हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग जय श्री राम हर हर महादेव दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे और मनाली अपडेट स्नो अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। स्नोफॉल कहीं भी अभी हो नहीं रही है, ना ही बरसात कहीं हो रही है। तो बाकी मनाली अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड आजकल बढ़ा हुआ है क्योंकि दीपावली की छुट्टियाँ थी, जिस वजह से आजकल बहुत ही ज़्यादा रश मनाली में आ रखा है। हर जगह आपको भीड़ देखने को मिलेगी, पहले कुछ टाइम पहले सारा खाली खाली पड़ा हुआ था, अभी भीड़ भीड़ लगी रहती है। तो अभी हम अपनी लंबी सी चढ़ाई से उतर रहे हैं, पीछे हमारा रूम है, तो अभी जा रहे हैं अपनी गाड़ी के पास और आज मनाली के आसपास ही घूमेंगे। मनाली के आसपास के लोकल साइट सीन आपको दिखाएंगे, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, कैसा अभी मनाली का माहौल है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रास्ता जाता है वॉल्वो बस स्टैंड और ये जा रहा है मॉल रोड की तरफ। ये सारा मॉल रोड ही आता है दोस्तों, यहाँ से 200 मीटर के बाद पूरी मार्केट आएगी। जाऊंगा ऊपर मॉल रोड की तरफ, पहले मैं जाऊंगा मॉल रोड, फिर जाऊंगा होटल की तरफ, होटल से पिकअप करके आज जाऊंगा सोलांग वैली अटल टनल सीसू। तो अटल टनल सीसू सोलांग वैली में आप क्या क्या कर सकते हो और क्या क्या घूमने के प्लेस रहने वाले हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी वहां पे होगी, ये सब देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी आप देख सकते हो मनाली में अच्छा खासा रश है, कल भी बहुत ज़्यादा रश था, आज भी रश रहने वाला है क्योंकि यहाँ से इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है तो रश तो रहेगा ही रहेगा। अभी तो मॉर्निंग के 10 बज चुके हैं, लगभग 50% लोग तो निकल चुके होते हैं होटल से, 50% लोग थोड़ा लेट निकलते हैं 10 से 11 बजे के बीच में। तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं आई हुई है क्योंकि सर्दी आ चुकी है, ठंड बढ़ चुकी है, सभी आजकल थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि सर्दियों में थोड़ा ठंडा होता है तो सुबह उतनी बातें हैं। तो यहाँ से आप जितने भी टूरिस्ट देख रहे हैं, जितने भी लोगों को आप देखते आ रहे हो हमारी वीडियो में, सभी देख सकते हो आप। ये सामने है दोस्तों मनाली का मॉल रोड और आज मैं यहाँ नहीं घूमने वाला हूँ, आज आगे जा रहा हूँ तो आगे की तरफ निकल जाते हैं। मॉल रोड से डाउन साइड आप उतरते हो तो NH में आ जाते हो, तो काफ़ी जाम, जब शाम के टाइम जाम लग जाता है तो अक्सर टैक्सी वाले आपको बाईपास बुला लेते हैं शनि मंदिर के पास। तो ये है शनि मंदिर अभूतनाथ टेंपल दोस्तों, तो यहाँ पे आप यहाँ से नीचे उतर जाएं, यहाँ से आपकी गाड़ी आपको पिकअप कर देगी। बहुत सारे लोग नए लोग आए होते हैं तो उन्हें पता नहीं लग पाता ना, जैसे हम भी कोई नई डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो हमें भी रोड का पता नहीं लगेगा, वो बाईपास ढूंढते रहते हैं जबकि बाईपास 10 मीटर की दूरी पे ही है मॉल रोड से। तो आप वीडियो देखकर यहाँ तक आ सकते हो। ये हाईवे ब्रिज आपको कनेक्ट करता है कुल्लू नगर रोड से, सजला वाटरफॉल से और लेफ्ट साइड जाता है रोहतांग पास, सोलांग वैली, अटल टनल, लेह लद्दाख स्पीति वैली की और जो आपने राइट साइड को गाड़ियां जा रही है जाती है वाया नगर होकर कुल्लू के लिए, रास्ता सेम रास्ता कुल्लू के लिए जाता है। तो ये जो दोनों मनाली के हाईवे, ये दोनों कुल्लू में जाकर मिलते हैं और उस साइड भी बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छे अच्छे होटल है उसी साइड। हमारे गेस्ट भी रुके हुए, पहले उन्हें पिकअप करेंगे फिर जाएंगे आगे सोलांग अटल टनल की ओर। यहाँ देखो आप मॉर्निंग मॉर्निंग में भी हल्का हल्का जाम लगना शुरू हो गया है। तो मैं अपने होटल पहुंच चुका हूं, इस वाले होटल में हमारे गेस्ट रुके हुए हैं हनीमून इन में, बहुत ही अच्छा होटल है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने गेस्टों का, फिर चलेंगे आगे की ओर। हमारे गेस्ट आ चुके हैं और अभी हम निकल चुके हैं मनाली से आगे, ये वाला रास्ता गया वशिष्ठ टेम्पल की ओर। आज हम वशिष्ठ नहीं जा रहे क्योंकि हम कल वशिष्ठ जाके आए हैं, तो आज हम सीधा आगे सोलांग वैली की ओर जा रहे हैं। और इस वाले रास्ते पर अगर आप जा रहे हो अपनी गाड़ी में, पर्सनल व्हीकल में, बाइक में, तो राइट साइड में यहाँ पर इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ता है, आप इधर ही पेट्रोल भरवा लें क्योंकि आगे आपको पेट्रोल की सुविधाएं नहीं मिलेगी। अगर आप लेह स्पीति भी जा रहे हो तो यही आपका लास्ट पेट्रोल पम्प रहने वाला है। और आप यहाँ पर शॉप नंबर्स देख रहे होंगे 156, 144,
ये आपको यहाँ से लेकर 3 किलोमीटर तक कंटिन्यू शॉप्स दिखेगी स्नो ड्रेसेस की। अगर आपके पास जैकेट नहीं है, जा रहे हो रोहतांग या कहीं ठंडी सी जगह में जा रहे हो, तो आप रेंट पे यहाँ से स्नो ड्रेसेस भी ले सकते हो हवा से बचने के लिए। बाकी यहाँ से नज़ारे देखो कितने अच्छे हैं। बाकी इस बार कुछ कुछ जगहों पे जाम भी लगने वाला है क्योंकि रोड पे अभी काम चला हुआ है, जो बरसात में बह गया था अभी पूरा काम भी नहीं हुआ है, जिस वजह से इस बार विंटर सीजन में जाम लगने वाला है 2-3 जगहों पे। जैसे कि आप यहाँ पर राइट साइड में देख रहे होंगे, यहाँ पर तो पूरी खाइयाँ पड़ी हुई, अभी RCC दी गई है, अभी यहाँ पर मलबा भरेगा तो इस वाले पैच में तो जाम इस बार बहुत ज़्यादा लगने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंगल रोड है, सिंगल लाइन यहाँ से जा रही है गाड़ियों की, तो यहाँ पर तो इस बार लगता है हम बहुत लंबे लंबे जाम में फंसने वाले हैं। मनाली से रोहतांग या सोलांग के रास्ते पे आप जा रहे हो तो मनाली से सोलांग के बीच में 2 जगह रास्ता अभी भी क्रैक है, जहाँ पर इस बार बहुत ही ज़्यादा जाम लगने वाला है। बाकी रास्ता ओके है दोस्तों, बाकी यहाँ पर भी टूटा हुआ था रास्ता, पर इसका भी काम हो चुका है, बिल्कुल ठीक हो चुका है रास्ता। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे नेहरूकुंड में अभी तक रास्ता टूटा ही हुआ है जहाँ पर जाम लगेगा। ऐसे भी वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम लगता ही रहता है दोस्तों, सर्दी में तो सिंगल लाइन होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला है। पिछली साल तो 4-4 लाइनें गाड़ियों की जा रही थी, इस बार तो एक लाइन का निकलना बहुत मुश्किल है, सोचो जाम कितना ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आप जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक करना चाहते हो तो आप बांग तक आ जाएं 5 किलोमीटर मनाली से, उसके बाद यहां से पैदल ट्रैक कर ले। अगर आप स्कूटी बाइक में जा रहे हो तो आप ऊपर तक जा सकते हो, फिर भी आपको 45-50 मिनट का ट्रैक करना ही पड़ेगा। अगर आपको जोगिनी वाटरफॉल ट्रैक नहीं करना तो हमारी तरह सीधा आगे निकल जाएं सोलांग अटल टनल की, और रास्ते के नज़ारे भी आप देख सकते हो कितने शानदार और कितने प्यारे हैं। और जिस प्लेस की मैं बात कर रहा था, नेहरूकुंड प्लेस की, अभी हम नेहरूकुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो रोड डैमेज हुआ इस साल, बाकी जगह पिछली साल हुआ था। और इस साल जो क्लाउड बस्ट हुआ था वो सोलांग वैली में हुआ था, जिस वजह से नेहरूकुंड के पास रोड टूट गई है और इसका काम अभी तक नहीं हुआ है, जिस वजह से विंटर सीज़न में तो बहुत ज़्यादा जाम लगने वाला है। बाकी इसका काम अभी धीरे धीरे चल रहा है, तो क्या पता विंटर सीज़न से पहले तैयार हो जाए। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि ये तैयार होगा, पर अगली साल को ये रास्ता 5 जून से पहले पूरा रेडी होगा तो जाम प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इस साल अगर विंटर में आप स्नो पॉइंट जाने की तैयारियाँ कर रहे हो तो विंटर में ये याद रखे कि हमें जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है, नहीं तो आप जाम में बहुत ज़्यादा फंस जाओगे। बाकी मनाली के जाम के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, और जो मनाली आए होते हैं उन्हें तो पता ही होता कि मनाली में जाम किस तरह से लगता है, और कौन कौन नेहरूकुंड या मनाली के आसपास जाम में 2-2, 4-4 घंटे फंसा है वो कमेंट ज़रूर करें। और अभी हम पहुंच चुके हैं पलचान होटल, जो बहुत ही लग्जरी होटल भी है, बहुत ही प्यारा होटल भी है दोस्तों। अगर आप स्नोफॉल में स्टे ढूंढ रहे हो लग्जरी वाला, तो आप पलचान होटल बुक कर दें क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आएगा और स्नोफॉल का इंजॉय भी आप कर पाओगे। जनवरी फरवरी में तो आपको पता ही है सोलांग वैली और पलचान से आगे गाड़ियां जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्नोफॉल हैवी हो जाती है उस टाइम में। प्रतिदिन यहां पर आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिलती है, अभी तो आपको पूरा ड्राई ड्राई एरिया देखने को मिल रहा है, पर उस टाइम पे पूरा स्नो से भरा एरिया देखने को मिलता है। और अभी हम पहुँच चुके हैं सोलांग वैली की एक्टिविटी ग्राउंड, जहाँ पर आप जीप लाइन, जॉर्विंग वॉल, याक राइड, हॉर्स राइड, ATV राइड कर सकते हो। आजकल यहाँ पर स्केटिंग तो नहीं हो रही है, बाकी अगर आपको स्केटिंग करनी है, स्की कोर्स करना है, तो आपको सोलांग वैली विंटर में आना पड़ेगा। जनवरी फरवरी में यहाँ पर स्की कोर्स होता है दोस्तों, ये इस बड़े से ग्राउंड में आपको स्की ट्रेनिंग दी जाती है, और यहाँ पर आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जिप लाइन कर सकते हो, रोप वे में आप ऊपर पहाड़ में घूमने जा सकते हो। और सोलांग वैली आजकल खाली खाली इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी स्नो भी नहीं पड़ी है और लोग भी उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। मैं पहुंच चुका हूँ सोलांग वैली दोस्तों, और सोलांग वैली के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो बिल्कुल सूखा पड़ चुका है, ग्रीनरी अब धीरे धीरे हट रही है, और इस साइड है पैराग्लाइडिंग पॉइंट, पैराग्लाइडिंग का ऑफिस जहाँ से आपका टिकट कन्फर्म होता है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और इस साइड है रोप वे, तो रोपवे में जाना है आपको तो उस वाले पॉइंट पे जाना होगा। तो आज यहाँ पर पैराग्लाइडिंग पूरी तरह से बंद है क्योंकि आज यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रही है, तो पैराग्लाइडिंग आज नहीं होने वाली यहाँ पे। तो जब पूजा यहाँ पर ख़त्म होगी तो उसके बाद ही यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होगी।
जितने भी लोग आज सोलांग वैली पैराग्लाइडिंग करने पहुंचे थे उन सभी का दिल टूट गया, क्योंकि आज यहां पर पैराग्लाइडिंग साइट बंद थी, तो कल पैराग्लाइडिंग ओपन होगी, तो कल आप सोलांग वैली ज़रूर जाए। अगर सोलांग वैली आए हैं तो रोपवे में भी ज़रूर जाए, आपको बहुत मज़ा आएगा। बाकी पैराग्लाइडिंग करने से पहले आप कुछ नियम यहाँ पर है पैराग्लाइडिंग के, इन सभी को आप पढ़ ले, उसके बाद ही आप पैराग्लाइडिंग करेगी, क्योंकि पैराग्लाइडिंग एक बहुत ही खतरनाक एडवेंचर है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार भी एडवेंचर है। तो नियम पढ़े उसके बाद पैराग्लाइडिंग करें, और सोलांग वैली आए हो तो अंजनी महादेव ट्रैक भी ज़रूर करें। अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते हो तो आप यहां से एटीवी बुकिंग ले सकते हो, एटीवी राइड करके आप सीधा अंजनी महादेव पहुँच सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं सोलांग वैली से आगे अटल टनल की, और रास्ते के नज़ारे बहुत ही प्यारे हैं, और सोलांग गांव आप देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारा है। ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है, इसके बाद अटल टनल साउथ पोर्टल आएगा, और नॉर्थ पोर्टल से शुरू होगा सिसु और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। तो अटल टनल दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है दोस्तों। तो सोलांग वैली से आगे आपको कोई भी गाँव देखने को नहीं मिलेगा, सारा फॉरेस्ट लैंड है दोस्तों। फॉरेस्ट में जाएँ तो ध्यान से जाएँ, यहाँ पर भालू भी होते हैं, स्नो लेपर्ड भी होते हैं, वो कभी कभी ही दिखते हैं, किस्मत वालों को ही दिखते हैं, या तो जिनकी बहुत अच्छी किस्मत होती है उन्हें दिखते हैं, या तो जिनकी बहुत बुरी किस्मत होती है वो उन्हें दिखते हैं, क्योंकि जिनकी बुरी किस्मत होगी वो तो उनके डिनर का हिस्सा बन जाएगा, जिनकी अच्छी किस्मत होती है वो दूर से देख कर खुश हो जाते हैं। बाकी सोलांग वैली से 5 किलोमीटर आगे ये बिन मौसम से ही लैंडस्लाइड हुआ था दोस्तों इस, तो सोलांग वैली से सीधा हम पहुंच चुके हैं सिसु। अभी मैं जा रहा हूं सिसु, तो सिसु और मनाली के बीच में एक बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट आता है दोस्तों, जहां रुकना तो बनता ही है। तो मैं अपने गेस्टों को लेकर यहां पहुंचा हूं, नज़ारे आप देख सकते हो कितने प्यारे हैं, और पानी यहां पर इतना ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। इस पानी में नहाने की गलती ना करें, पानी के पास भी बिल्कुल ना जाए, आपका पाँव स्लिप हो गया तो इस रिवर में बचना भी नामुमकिन ही है, क्योंकि इस रिवर में बच नहीं पाओगे आप। बाकी नज़ारे अगर आपको देखने हैं साइड में बैठ के, आप नज़ारे ज़रूर लूटिएगा इस वाले व्यू पॉइंट के, बहुत प्यारे नज़ारे हैं, आप आराम से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। मेरे गेस्ट भी वहाँ पर गए हुए हैं, डॉक्टर साहब नीचे है, मेरे गेस्ट यहाँ पर अच्छे अच्छे फ़ोटो वीडियोज़ क्लिक कर रहे हैं, और रिवर का व्यू तो बहुत शानदार है, हर किसी का दिल करता है इस पानी में हाथ डाले। हमारे छोटे गेस्ट ने पानी में हाथ डाल दिए, उसके बाद इन्हें इतना ठंडा हुआ क्या ही बताए, और नज़ारे तो थे ही शानदार, तो दिल तो यहाँ से जाने का नहीं करता है, पर हमें आगे सिसु जाना था, तो अभी हम सिसु हेलीपैड पहुँच चुके हैं जहाँ पर कार पार्किंग होता है। यहाँ से आप जा सकते हो सिसु लेक की, और सिसु लेक भी आज खाली खाली पड़ी हुई है दोस्तों। अगर आप सिसु आए तो आप एडवेंचर भी यहाँ पर कर सकते हो, बाकी सिसु में आप सिसु लेक देख सकते हो, वाटरफॉल ट्रैक कर सकते हो, जिपलाइन कर सकते हो दोस्तों। अगर आज वाला वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ कल फिर से मिलेंगे न्यू वीडियो में, न्यू अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, हर हर महादेव दोस्तों।